हेलो फ्रेंड, चलो हम आपके लिए फिर से नए डिजाइन की लड्डू गोपाल की कैप बनाना बताऊंगी, जिसके लिए मैंने दो ही कलर लिए हैं, एक नौ और नौ नंबर की सिलाई ली है। तो देखो, मैंने इस ड्रेस के साथ की आपको कैप बताऊंगी। तो ये ड्रेस मैंने पिछली वीडियो में अपलोड की है, आप इसमें जाके इसको देख सकते हो। तो इसके साथ की हम आपको कैप बताएंगे, तो सेम ही हम दोनों कलर ले लेंगे। तो फ्रेंड, हम झालर वाली आपको ही कैप बताऊंगी। तो ये देखो, मैं ग्रीन कलर से इसकी झालर बनाएंगे। तो इसके लिए हमने 50 फंदे डालेंगे, ये देखो इस तरह से, जिस तरह से हम फंदे डालते हैं उसी तरह हम फंदे डालेंगे। ये देखो एक फंदा हमने डाल लिया है। अब ये वाली वूल को टाइट रखेंगे और इससे हम फंदे बनाएंगे। ये देखो, एक, दो, तीन, चार, इसी तरह हम फंदे 50 डालते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो फ्रेंड, मैंने इसमें 50 फंदे डाले हैं और सिंपल फंदे डाले हैं, ये देख। तो दो से तीन के लिए हमने ये बनाई है, दो से तीन के लिए ही हम इसको बना रहे हैं। आप इसे, ये देखो, बड़ा भी बना सकते हो, सेम प्रोसेस ऐसे ही रहेगा। तो चलो हम बनाते हुए आगे बढ़ लेते हैं। ये देखो, तो ये हमने फंदे डालने के बाद अब उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये देखो, पूरी सिलाई हमने बना ली है उल्टी पलट के। अब सीधी सिलाई पे भी हमने इसी तरह उल्टी उल्टी बनाएंगे। तो हम उल्टी उल्टी तीन सिलाई बना लेते हैं। ये देखो हमने तीन सिलाई बना ली है। ये देखो, तीन सिलाई बनाने के बाद अब हम, ये देखो, एक, दो, तीन, अब हम उल्टी सिलाई पे हैं। तो देखो, यहाँ से हम अपना दूसरा कलर लगाएंगे। तो दूसरा कलर, ये देखो एक साथ हम तीन फंदे लेंगे। ये देखो, फिर हम तीन फंदे आगे एक साथ लेंगे, एक, दो, तीन। ये देखो, फिर आगे हम तीन फंदे लेंगे, तो दो फंदे घट जाएंगे और एक हमारा सिलाई के ऊपर आ जाएगा। ये देखो, तो तीन फंदे लिए, अब इसको इस तरह से आगे कर लेंगे। ये देखो, दो फंदे घटेंगे और एक फंदा हमारे सिलाई के ऊपर रहेगा। तो तीन तीन फंदे हम लेंगे इस तरह से। ये देखो, एक साथ तीन फंदे लेंगे, फिर आगे से हम एक, दो, तीन, तीन फंदे एक साथ लेंगे। तो दो फंदे घटेंगे, एक फंदा, ये देखो, फिर आगे से एक, दो, तीन, तीन फंदे आगे से लिए, तो दो फंदे कम होंगे और एक फंदा सिलाई पे आएगा। फिर आगे से एक, दो और तीन, ये देखो, फिर आगे से तीन फंदे लेंगे, एक, दो, Thank you.
ये देखो। तो देखो फ्रेंड हमारे ये सिलाई के ऊपर 18 फंदे रह गए, 2, 2 4, 2 6, 2 4, 2 10, 2 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 फंदे सिलाई के ऊपर हैं। अब पलट लेंगे। अब ये हमने पलट के सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी उल्टी उल्टी सिलाई बनाएंगे। ये देखो सीधी सिलाई बना ली है, पलट के हम उल्टी साइड आ गए, तो उल्टी साइड भी हमने इसी तरह उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखो उल्टी सिलाई बना ली है, पलट के सीधी सिलाई कर देंगे। इसी तरह हम 4 सिलाई बना लेते हैं। ये देखो फ्रेंड 6 सिलाई तो हमने ऊपर की बनाई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 3 नीचे की बनाई है जो हमने झालर बनाई है। तो ये हमारी 9 सिलाई बनके कंप्लीट हो गई है। तो अब हम ये वूल को यहीं से एक्स्ट्रा रखेंगे और इसमें हमने निडिल को डालेंगे। ये देखो हमने निडिल डाली है। अब एक एक फंदा हम इस तरह से निकाल लेंगे। ये देखो हमने इस तरह से इसको खींच लेना है और इस तरह से पलट लेंगे। ये देखो तो ये सीधी साइड हमारी अंदर आ जाएगी। ये देखो अब हम इसी से इसकी सिलाई करेंगे एक एक चैन में डालते हुए। ये देखो अब हम इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। ये देखो हमने सीधी कर ली है और कैप बनके तैयार है। देखो बड़ी प्यारी सी बड़ी सुंदर सी कैप बनके आई है। ये देखो